हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज ब्लॉग। आज हम आपके सामने टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। जी, ये कुछ पेट से रिलेटेड है। आप लोग बताइए कि आप लोगों में से कितने लोगों को पेट्स पालना पसंद है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज हम बात करेंगे पर्शियन कैट्स की। जी, आजकल ज़्यादातर मोस्टली सभी घरों में पर्शियन कैट्स जो है वो पली हुई हैं। जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होती हैं ये कैट्स, और बिल्कुल हार्मफुल नहीं होती हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी देती हैं हमको। तो आज हम पर्शियन कैट्स के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पर्शियन कैट्स पालना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि किस तरह से इसको इसकी केयर करनी है, क्या एक्सपेंसेस आएंगे। तो आज सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। पहले तो हम आपको मिलवाते हैं अपनी पर्शियन कैट से। से हाय, इनका नाम है एलेक्स, और एलेक्स बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं। ये एक मेल कैट हैं और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, मेरे बच्चों की तो ये जान है, समझ लीजिए। ये हमारे साथ सोते हैं और हमारे साथ रहते हैं। तो आज हम बताएंगे इनके बारे में कि मैं इनकी कैसे केयर करती हूँ। मैं बता दूँ कि ये अभी 7 मंथ ओल्ड हैं, और जब ये आए थे तो बहुत ही छोटे से क्यूट से थे। मैं आपको पिक दिखाती हूँ इनकी कि ये कितने छोटे आए थे। तो बात करेंगे इनकी केयर की। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आप लोग लाइक तो कर देते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे इसी तरह के आपको बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स देखने को मिल सकें। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो बात करेंगे केयर की इनकी। तो केयर जो इनकी करनी है हमें, वो बहुत ही इनको प्यार से रखना है, और जिस तरह से एक छोटे बच्चे को हम उसकी केयर करते हैं, बस उसी तरह से इनको भी केयर चाहिए है। इनको जो सबसे पहले बात करेंगे, इनको जो रहने के लिए प्लेस हो वो कैसा होना चाहिए। आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज़ नॉट एन इंडियन ब्रीड, ये पर्शियन कैट्स हैं, और सबसे ज़्यादा ये ईरान में पाई जाती हैं। तो ये जो कूल एटमॉस्फेयर होता है वहाँ रहने की आदि होती हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी इनके लिए नुकसानदेह होती है, और गर्मी में रहने से इनके जो है, जो ये सॉफ्ट सॉफ्ट फर हैं, जो इनके हेयर हैं, वो बहुत ज़्यादा फॉल होने लगते हैं, गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। और इनकी इसीलिए पहले बहुत ज़्यादा पर्शियन कैट्स इंडिया में नहीं पाई जाती थी, क्योंकि इनको बाहर से लाया जाता है। और अब ज़्यादातर मोस्टली लोग इसका बिजनेस कर रहे हैं, हर घर में आपको पर्शियन कैट्स मिलेंगी। तो देर आर सो मेनी ब्रांड्स अवेलेबल इन द मार्केट, बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं जो इनका इनकी पूरी रेंज रखते हैं, जिसमें आपका कैट फूड हो गया, इनका लिटर हो गया, और इनकी हिमालय की पूरी रेंज आती है, जिसमें इनका पाउडर, शैम्पू, परफ्यूम, ईच एंड एवरी थिंग यू विल गेट। तो सारी चीज़ें, इनके स्टोर्स खुल गए हैं जगह जगह पे। तो अब इनका मतलब अडॉप्ट करना, रखना बहुत ही आसान हो गया है। तो आप अगर पर्शियन कैट्स पालने जा रही हैं तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। और इनको घर का कोई भी खाना नहीं देना है, क्योंकि जो हम इनको फूड देते हैं वो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जो मार्केट में अवेलेबल है वो इनकी बॉडी के अकॉर्डिंग बनाया गया है, जिससे ये सर्वाइव कर सकें। तो आप प्लीज़ जो भी इनको फूड दें, जिसमें आपका विस्कस आता है, रॉयल कैनिन आता है, और आपका मियो आता है, और एट्सेट्रा बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। मैं जो अपने पेट को देती हूँ, अपने एलेक्स को जो मैं फूड देती हूँ, वो है विस्कस। इसमें अलग अलग रेंज आती है, अडल्ट के लिए अलग आता है, किटन्स के लिए अलग आता है, तो आप अकॉर्डिंग टू एज दे सकते हैं। प्लस इनकी ग्रेवी आती है, ड्राई फूड अलग होता है, ग्रेवी अलग होती है, और इनका जो है जो चॉकलेट्स भी आती हैं, और टॉफ़ीज़ भी आती हैं। तो सारी चीज़ें, मैंने बोला ना, एक बच्चे की तरह ट्रीट करना रहता है इनको। सेकेंड थिंग, इनका वैक्सीनेशन होता है बाकायदा, जो इनके डॉक्टर्स होते हैं वो इनका वैक्सीनेशन कार्ड बनाते हैं, और इनको जो है स्टार्टिंग में 3 मंथ्स पे वैक्सीनेशन होता है, आफ्टर दैट
ईयरली इनका वैक्सीनेशन होता है, जिसमें इनके रैबीज के और जो भी डिसीजेज हैं उनके इनको वैक्सीनेशन लगते हैं, जिससे आप भी सेफ रह सकें और आपका पेट भी सेफ रह सके। क्योंकि इनके कभी नाखून लग जाते हैं, स्क्रैचेस लग जाते हैं खेल खेल में, या कभी बाइट लगे तो उससे आपको इफ़ेक्ट ना हो, आपको किसी तरह का नुकसान ना हो, तो ये सारे वैक्सीनेशन आपको करवाते रहना चाहिए ज़रूर। इनकी फिर नेल कटिंग भी होती है, ट्रिमिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं तो घर में ही सब कर लेती हूँ, इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं। और इनका हर वीकली इनको इनको नहलाना पड़ता है, इनकी बेदिंग करनी पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इनका शैम्पू आता है अलग, इनका पाउडर आता है, इनका परफ्यूम आता है। तो अगर आप अच्छे से केयर करेंगे, और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी, जिन लोगों के पास ऑलरेडी पर्शियन कैट है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो न्यूट्रिशंस इनके अंदर जाने चाहिए वो नहीं पहुँच पाते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे सप्लीमेंट आते हैं, पूरी रेंज आती है। मैं अभी इनको देती हूँ, ये है एमी मियो सिरप, ये मल्टीविटामिन सिरप है, और इससे इनके फर बहुत अच्छे रहते हैं, और जो इनके हेयर फॉलिंग होती है जब सीज़न चेंज होता है तो वो इसे स्टॉप करता है, क्योंकि बॉडी में सारे इनको विटामिन्स पहुंच जाते हैं। ये इनको देना है सुबह शाम 1.5 ml। दूसरा है ये लिव टोन, इससे पेट की कोई भी प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। इसको भी हमें 0.6 ml देना है मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो ये बहुत अच्छे सप्लीमेंट हैं इसके लिए। और जिस तरह से हम अपने बच्चों को देते हैं डिवर्मिंग की टैबलेट्स देते हैं हर 6 month पे, उसी तरह इनकी भी हमें डिवर्मिंग करानी होती है हर 3 months पे, क्योंकि इनकी आदत होती है लिक करने की, अपनी बॉडी ये खुद साफ करते हैं, जो फूड ये लेते हैं तो उससे इनके स्टमक में वर्म्स हो जाते हैं और उनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हर 3rd month पे इनको डिवर्मिंग की टैबलेट्स दी जाती हैं अकॉर्डिंग टू इट्स वेट के अकॉर्डिंग इनको दी जाती है, जो भी वेट होता है इनका। तो इसके लिए आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं बता दूंगी चार्ट जो है इनका किस तरह से डिवर्मिंग करानी है। तो अब बात करते हैं इनके एक्सपेंसेस की। इनका जो एक्सपेंस आता है पर मंथ अप्रॉक्सीमेटली 1500 rupees आता है इनका जो एक्सपेंस होता है पर मंथ का, और वैक्सीनेशन का अलग रहता है जो भी होता है। और ये मार्केट में अवेलेबल होती हैं 7000 से लेके 40000 तक अकॉर्डिंग टू इट्स ब्रीड। ये इसमें डॉल फेस आता है, और सेमी पंच्ड फेस आता है, पंच्ड फेस आता है, फुल पंच्ड फेस आता है। तो अलग अलग इसकी जो है स्पीसीज होती हैं, जो इंडियन मिक्स होती हैं दैट इज़ कॉल्ड डॉल फेस। ये जो हमारे वाले हैं ये सेमी पंच्ड फेस हैं। से हाय हाय कितना क्यूट है ना, आप देख सकते हैं ना, इससे बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, और आपको कुछ और भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। डोंट डू दिस, ये देखिए कितना प्यारा है, कितना क्यूट है, और इसको कैसे भी कर लीजिए, कैसे भी पकड़ लीजिए, ये कभी आपको हार्म नहीं पहुंचाएगा, कभी आपको काटेगा नहीं। और इनकी पूरी हिमालय की रेंज आती है, जिसमें आपका शैम्पू, सोप्स और इनका पाउडर आता है, इनकी परफ्यूम्स आते हैं। तो पूरा एक जो है ये बच्चे की तरह इनको पाला जाता है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।